भाई साहब कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ सब शाहरुख खान बने हुए आज। मुझे अब वो करना है जो आप लोग भी यहाँ आके करेंगे। समय रहा, दिन में धूप रात में ठंड, हाय रे गर्मी। मैं घुमक्कर जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे आज के एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, मस्त होंगे? दिल्ली की गर्मी ने तो ऐसा बहुत बुरा हाल कर रखा सबका। तुम लोग तो एसी में बैठे हो, तुम लोगों को कहाँ पता चलेगा। हम लोगों को देखो, ये देखो धूप देख रहे हो, बुरा हाल है। हाँ दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ लोटस टेम्पल और वहाँ की खूबसूरती आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। भाई साहब बहुत बड़ा बना हुआ है, सच में मैंने फोटो में देखा था, आज मैं लाइव जाके देखूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा और वहाँ होने वाली थोड़ी मस्ती, थोड़े मजे और क्या क्या स्पेशल होने वाला है। तो बने रहिए व्लॉग में, एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अरे सामने देख रहे हो, ये है कालकाजी मेट्रो स्टेशन। गेट नंबर 1 से आपको एग्जिट करना है। ज़रूरी नहीं ऑटो वगैरह कुछ लेने का, खामखा पैसे बर्बाद करोगे। तो वहाँ से आप सीधा ऐसे वॉक करते हुए निकलना और ये सीधा देखो रास्ता दिख रहा है, ये आपका सीधा लोटस टेम्पल। तो चलिए मैं चलता हूँ। भाई साहब कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैं तो सोच रहा था क्या ही होगा, नॉर्मल होगा, वीकडे चल रहा है, वीकेंड में ज़्यादा भीड़ होती है, वीकडेज में इतनी भीड़ है। तो भाई पूरा आगे सर्कल से गोल घूमती हुई लाइन बना रखी है और आधे घंटे की लाइन में लगने के बाद फाइनली मेन गेट पर पहुँच चुके हैं। मोबाइल पर्स पे जरूर ध्यान दीजिए, नो स्मोकिंग सिगरेट। भाई यहाँ धूप ना और भीड़ दोनों खचा खचा एकदम। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये लीजिए मैंने सामने वहाँ गेट से एंट्री करके यहाँ पहुँचा हूँ। और शुरू में ही देखो आप राइट हैंड साइड पे ना यहाँ इन्फॉर्मेशन इन्होंने सेंटर बना रखा है। अंदर वैसे बेसिकली है क्या क्या, अगर मैं अंदर, क्योंकि अंदर तो अलाउ नहीं है वीडियो शूट करना, तो आप बता सकते हो अंदर वैसे है क्या क्या? अंदर टेंपल के बारे में इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू। की हरियाली देखो आप, पूरा ग्रीनरी है आजू बाजू में पूरा, और भीड़ काफ़ी अच्छी है। मतलब दिल्ली नहीं, दिल्ली से आउट स्टेशन से भी आए हुए हैं और भीड़ बहुत है, फॉरनर्स हैं, इंडियन हैं, भरा पड़ा है पूरा। और सामने आप देख रहे हो पेटल्स के पास, थोड़ा जूम करता हूँ, वो देखिए वहाँ भी भरा पड़ा है। कितना सुंदर लग रहा है ना, सफ़ेद एकदम वाइट पूरा दिख रहा, मार्बल प्योर। ये जो इसकी पंखुड़ियाँ बना रखी है पूरे वाइट मार्बल से हैं और इसको 2000 में अकेडमी ग्लोबल अवार्ड भी मिला हुआ है। इसकी आर्किटेक्चर की बात करूँ ना तो ये 13 नवंबर 1986 में बनके रेडी हो गया था और करीबन दिसंबर में जाके इसकी ओपनिंग हुई थी नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो चलिए अंदर चलते देखते हैं और क्या क्या खास है अंदर, क्योंकि टेम्पल सुनने के बाद तो नॉर्मली हम लोगों को ये फील होता है कि क्या बोलते हैं अंदर पूजा होगी या कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं। मुझे अब वो करना है जो आप लोग भी यहाँ आके करेंगे, बताऊँ क्या? औरों की तरह मुझे भी अपने यहाँ शूज़ उतारने पड़ेंगे। चलो भैया सिंगल्स जोड़ी के मिल जाएगा ना, चलो रिमूव करके हम भी रखते हैं और चलते हैं सीधा अंदर। मैं तो जुराब भी फटी हुई है। जमा कराना अंदर भी ऐसे? अरे जमा कराना कैसे? चलिए मुझे लगा था जमा नहीं कराना। N34 और यहाँ से चलते हैं ऊपर, यहाँ सब शाहरुख खान बने हुए हैं आज। देखो टाइम ज़्यादा हो गया है, 5:30 हो गया और क्लोजिंग का टाइम है। अभी आप देख रहे हैं सिंपल पॉन्ड बना रखा है इन्होंने, ये टोटल 9 है, 1 2। अब ऐसे पूरा राउंड सर्कल लगा के आओगे तो टोटल 9 है। और आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, आप लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। ये देख रहे हैं आप जो बने हुए पंखुड़ियाँ, ये प्योर मार्बल की है जो मैंने आपको अभी बताया था, मेरे सांस फूल गए चल चल के। और साथ में ये टोटल 27 है। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुक। जाओ ले आओ जाकर।
जाओ, कोई नहीं आएगा, जाओ अब जाओ जाओ जाओ, अब नहीं जाना। अच्छा आपका नाम तो बताओ, आपका नाम क्या है? समायरा। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ रहते हो आप बताओ? नहीं बताना। यहाँ आने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि आप लोग अगर आ रहे हो तो गर्मी के मौसम में बिल्कुल ना आए, क्योंकि भाई साहब जब लाइन लगती है ना और धूप में खड़े रहते हो परेशान हो जाओगे। दूसरा, खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अंदर, आप नहीं लेके जा सकते। और इन केस आप लेके गए और आप अंदर खाने लगे तो भैया जुर्माना है सीधा। थर्ड, जो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि भैया शांति बहुत है अंदर। देखने के लिए मंदिर वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन शांति बहुत है। आप पर आके मेडिटेट कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो बहुत अच्छे से। लेकिन बाकी उतना कुछ नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करके आओगे कि अंदर कुछ आपको स्टैचूज दिखेंगे या कुछ नहीं, उतना कुछ नहीं है। आप लोग मुझसे पूछोगे कि भूमकर जोशी जी बताओ हमें यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और कब आना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि समर टाइम में थोड़ा अवॉइड करना, विंटर टाइम में आना ताकि लहन में भी लोगों तो आप लोगों को परेशानी ज़्यादा ना हो। तो चलिए आप मुझे बताइए कौन सा पार्ट अच्छा लगा। सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बताइए कैसा लगा। थकान हो गई है, अब मैं अपने बैग से निकालने वाला हूँ बिस्किट जो मैंने मॉर्निंग में रखे थे, और आप सुन के हंसोगे, बताऊँगा क्यों। रुको, पहले बस एक बार मिल जाए मैंने कहाँ रखे हैं वो। अब इनकी बात करूँ ना, ये बेसिकली क्या है, कुत्तों के लिए मैंने रखे थे। सुबह की शाम को आऊँगा तो अगर कोई रास्ते में कुत्ते दिखेंगे उनको दे दूँगा, लेकिन अब भूख से ऐसा हाल है कि बाहर पैसा खर्च करने से अच्छा मैंने कहा है। आओगे आप लोग? लोटस टेंपल तो मैं जाऊँगा ही, उससे पहले मैं आप लोगों को लोटस टेंपल तो मैं जा ही रहा हूँ, अंदर जाऊंगा आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा कि एक्चुअली में है क्या अंदर। उससे पहले आप देखो बाहर खूबसूरती, ओए होए कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे से दिखाऊं? ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, छोटे छोटे फूल और कलरफुल है, कितना अच्छे से संजो के रखा है भाई सच में। ये देखो